हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अर्चना एंड इंडियन प्रैट। कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। और मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो, जो आपके चेहरे पे झुर्रियाँ हो जाती, दाग धब्बे हो जाते, दाने निकल आते, बहुत सारे उनके दाग पड़ जाते। तो इसके लिए एक मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी होम रेमेडी लेके आई हूँ, जो बिना खर्चे के, बिना पैसे के आप उसको यूज करोगे। मैं ये नहीं कह रही कि आपको एक ही दिन यूज करना, आप उसको लगातार यूज करोगे और ख़ासतौर से सर्दियों में, तो आपको इन सब चीज़ों से, प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। और मैं खुद यूज करती हूँ तो मुझे पता है इन सब चीज़ों के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके पास जो बेल आइकन है उसको भी टच कर लीजिए, ताकि और भी चीज़ों के बारे में जो मैं वीडियो लाऊँ तो आप लोगों को फर्स्ट नंबर पे मिल पाए। तो शुरू करती हूँ। सो थैंक यू। मैं लेके आई हूँ आपको ग्लिसरीन। इसका आप सबको पता है सर्दियों में ये कितनी फ़ायदेमंद चीज़ है, और सर्दी आने वाली है, बस शुरू ही होगी थोड़ी थोड़ी। तो इसको मैं कैसे यूज करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। ग्लिसरीन को पहले बात तो कभी भी ऐसे खाली नहीं लगाना चाहिए, हमेशा उसको कोई चीज़ में मिक्स करके लगाना चाहिए। तो मैं ये ग्लिसरीन को आधी चम्मच डाल दूँगी और इसमें हनी, आधी चम्मच हनी डाल दूँगी। अब कोई सा भी हनी ले लो, पतंजलि का या कोई सा भी, और इसको मिक्स कर लो अच्छे से। ये नाइट क्रीम के तरीके से भी आप लगा सकते, और इसको भी आप नाइट ही में लगा के और सो जाओ, और मॉर्निंग में गुनगुने वाटर से साफ़ कर लो। और अगर नाइट में ही साफ़ करना हो तो नाइट में भी साफ़ कर सकते हैं आप, पर थोड़ी देर लगा रहने दें, 10-5 मिनट उसके बाद। और पूरी नाइट रखना चाहते तो पूरी नाइट भी रख सकते हैं। अब इसको मैंने फेस वॉश कर लिया था, और आप गुलाब जल से भी फेस क्लीन कर सकते हैं, पर फेस पे कोई मेकअप वेकअप नहीं होना चाहिए। इससे अच्छे से मसाज कर लेना चाहिए, मसाज हमेशा ऐसे ही करनी चाहिए ऊपर साइड, उससे स्किन अच्छी होती, टाइट भी होती। ऐसे मैं 5 मिनट तक ऐसे ही करूँगी, वो तो आप टीवी भी देखते हुए भी कर सकते, पर इससे बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा आपको दानों में और झाइयों में। पर इसको रोज़ करो, तो ऐसे नहीं कि एक दिन कर लिया और फिर नहीं किया और फिर सही ना हो, लेकिन अगर रोज़ करोगे तो गारंटी से आपके सारे दाने और दाग धब्बे सही हो जाएंगे और फेस बहुत अच्छा ग्लो करेगा। तो आप शुरू करो सर्दियों में, और मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को फ़ायदा मिला और किस किस को मिला। और कोई भी आपको पूछना हो या कोई भी रेमेडी चाहिए हो, क्योंकि मैं नेचुरल चीज़ें ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मेकअप वेकअप मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, और मैं ज़्यादा मेकअप यूज़ भी नहीं करती हूँ, मैं नेचुरल जो चीज़ें होती है वही करती रहती हूँ घर में। तो उससे अच्छा फेस पे ग्लो रहता है, और कभी भी कर सकते क्योंकि घर में ये सब चीज़ें होती ही हैं, तो आप कभी भी उसको कर सकते। तो अच्छे से ऐसे मैं अभी मसाज करूँगी 5 मिनट। तो ये होती ना फिंगर, इन्हीं से अच्छे से मसाज कर लेनी चाहिए। ये देखो मैंने अच्छे से मसाज कर ली, और अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी 5 मिनट तक या 10 मिनट तक, और काम करने लगूँगी, अपना कुछ काम कर लूँगी। उसके बाद मैं वॉश करके आपको दिखाती हूँ फेस पे कितना अच्छा ग्लो रहता है, और बहुत निखार जैसा आ जाता है। पर आपको आपके फेस पे ज़्यादा पिंपल या झाइयाँ हैं तो आप इसको रोज़ यूज करो, फिर आपको इसका असर धीमे धीमे समझ में आएगा और आपको फ़ायदा भी मिलेगा। किसी किसी को हनी सूट नहीं करता तो वो गुलाब जल मिक्स कर ले, वो भी सही रहता। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में, ऐसे इसको छोड़ देती हूँ मैं, और मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे इसको वॉश करने के बाद। देखो आप, मैं फेस वॉश कराई, और आप हल्के गुनगुने बैटरी से फेस वॉश करें,
और ये देखो फेस पे कितना अच्छा ग्लो आ रहा, बहुत अच्छा लग रहा, मुझे खुद भी लग रहा बहुत अच्छा। तो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं इस तरह की नेचुरल रेमेडी आप लोगों के लिए लेके आऊँ। तो मैं जल्द नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। सो थैंक यू, बाय बाय, मिलती हूँ जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय, लव यू ऑल। प्लीज़ सपोर्ट बनाए रहिए और जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि सब लोगों के पास ये रेमेडी पहुँचे और सब लोग यूज करें तो सबको फ़ायदा मिले। सो थैंक यू, बाय बाय।